मेरा नाम अमित कुमार ताम्रकार है। मैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला में PhD का छात्र हूँ। मैं यहाँ पिछले कुछ हफ्तों से आयुका इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में विजिटिंग स्टूडेंट के तौर पर रह रहा हूँ। मैं यहाँ पर रोज लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आता हूँ, जिसके सामने दोनों विशाल बरगद के वृक्ष मुझे हमेशा से आकर्षित करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है इन वृक्षों की आयु आयुका की स्मारक से भी अधिक है। तो जब आयुका को बनाया जा रहा था, तब प्रोफेसर नालिका जी ने सोचा कि इन वृक्षों को हटाए बिना भी इस इमारत का निर्माण किया जा सकता है, और साथ ही साथ खगोल विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा जिसे बैनी स्टार सिस्टम कहते हैं वो भी समझा जा सकता है। इन दोनों वृक्षों को अगर प्रत्येक को एक तारा माना जाए तो बैनी स्टार सिस्टम की अवधारणा को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जो कि इस बहुत ही प्रसिद्ध रोजलोक गार्डन का एक हिस्सा है, जो कि मुझे बहुत ही आकर्षित करते हैं। जब मुझे यहाँ पर रंगोली प्रदर्शन का मौका मिला तो मुझे लगा कि स्वाभाविक तौर पर क्यों ना इन्हें ही अपनी रंगोली का हिस्सा बनाया जाए और इनकी सहायता से एस्ट्रोनॉमी और कला को जोड़ा जाए। इस रंगोली को बनाने में मैंने बाजार में उपलब्ध सामान्य रंगोली का ही इस्तेमाल किया है और विभिन्न शेड को दर्शाने के लिए अलग अलग रंगों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर मैंने इनके शेड को तैयार किया है। इसको बनाने में मुझे लगभग 17 से 18 घंटे का वक्त लगा है। प्रत्येक वृक्ष एक तारे को प्रदर्शित करता है, जो आपस में एक दूसरे के चारों ओर एक केंद्र बिंदु के परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक तारे का अपना एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, और जब दो तारे आपस में बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा होते हैं तब उनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हुए संयुक्त गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे रोजलोक कहते हैं, जहां केंद्र पर दोनों तारों का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक दूसरे के प्रभाव से शून्य हो जाते हैं। इसी अवधारणा को दर्शाते हुए मैंने आयुका के रोजलोक गार्डन को अपनी रंगोली में उकेरा है। वृक्षों को घेरे हुए काली पट्टी रोजलोक को दर्शाती है, और इन वृक्षों को अपनी रंगोली में बनाकर मैंने रंगोली के पारंपरिक कला को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश की है। धन्यवाद।